जिस तरह स्त्री और पुरुष एक समाज में रहते हैं, उसी तरह दुनिया में किन्नरों का भी एक समाज है। मनुष्य जाति की तरह ही किन्नरों में भी दो प्रकार होते हैं, एक किन्न पुरुष और दूसरी किन्नरी। इसे भी किन्न पुरुष ही कहा जाता है। मनुष्य जाति में हम सब जानते हैं कि स्त्री और पुरुष तो होते हैं, उनके जन्म की बात तो हम सभी जानते हैं कि कैसे होती है, लेकिन किन्नरों की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, इसे हम में से बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं किन्नर समाज के इतिहास के बारे में कि कैसे हुई किन्नरों की उत्पत्ति। दरअसल बहुत साल पहले प्रजापति के यहाँ एक इल नाम का पुत्र था। बड़ा होकर यही इल बड़ा ही धर्मात्मा राजा बना। कहते हैं राजा इल को शिकार खेलने का बड़ा शौक था। इसी शौक के कारण राजा इल अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार करने एक वन को गए। जंगल में राजा के कई जानवरों का शिकार किया, लेकिन इसके बाद भी उनका मन नहीं भरा, वो और शिकार करना चाहते थे। इसी चाहत में वो जंगल में आगे बढ़ते चले गए और उस पर्वत पर पहुंच गए जहां भगवान शिव माता पार्वती के साथ विवाह कर रहे थे। कहते हैं भगवान शिव ने माता पार्वती को खुश करने के लिए खुद को स्त्री बना लिया था। जिस समय भगवान शिव ने स्त्री रूप धारण किया, उस समय जंगल में जितने जीव जंतु पेड़ पौधे थे सब स्त्री बन गए। चूंकि राजा इल भी उसी जंगल में मौजूद थे, सो राजा इल भी स्त्री बन गए और उनके साथ आए सारे सैनिक भी स्त्री बन गए। राजा इल अपने आप को स्त्री के रूप में देख बहुत दुखी हुए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, लेकिन जैसे ही उन्हें यह पता चला कि भगवान शिव के कारण वो सब स्त्री बन गए, तब राजा इल और ज्यादा चिंतित और डर गए। अपने इसी डर के कारण राजा इल भगवान शिव के चरणों में पहुंच गए, जहां उन्होंने भगवान शिव से अपने आप को पुरुष में परिवर्तित करने की अपील की। लेकिन भगवान शिव ने राजा इल से कहा कि तुम पुरुषत्व को छोड़कर कोई और वरदान मांग लो, मैं दे दूंगा। लेकिन इल ने दूसरा वरदान मांगने से मना कर दिया और वो वहां से चले गए। वहां से जाने के बाद राजा इल माता पार्वती को प्रसन्न करने में लग गए। राजा इल ने माता पार्वती से प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। तब राजा ने अपनी सारी कहानी बताकर अपना पुरुषत्व वापस लौटाने का वरदान माता पार्वती से मांगा। लेकिन माता पार्वती ने राजा से कहा कि तुम जिस पुरुषत्व का वरदान चाहते हो, उसे आधे हिस्से के दाता तो खुद महादेव है, मैं तो सिर्फ आधा भाग ही दे सकती हूँ। यानी कि तुम अपना आधा जीवन स्त्री रूप में और आधा जीवन पुरुष के रूप में व्यतीत कर सकते हो, अतः तुम कब स्त्री के रूप में और कब पुरुष के रूप में रहना चाहते हो, ये सोचकर मुझे बता दो। तब राजा ने काफी सोचकर माता पार्वती से कहा कि हे माँ, मैं एक महीने स्त्री के रूप में और एक महीने पुरुष के रूप में रहना चाहता हूँ। इस पर माता पार्वती ने तथास्तु कहते हुए राजा इल से ये भी कहा कि जब तुम पुरुष के रूप में रहोगे तो तुम्हें अपना स्त्री रूप नहीं याद रहेगा, और जब तुम अपने स्त्री रूप में रहोगे तो तुम्हें अपने पुरुष रूप का कुछ याद नहीं रहेगा। इस तरह राजा इल माता पार्वती से एक महीने पुरुष इल और एक महीने स्त्री इला के रूप में रहने का वरदान प्राप्त कर लिया, परंतु राजा के सारे सैनिक स्त्री रूप में ही रह गए। कहते हैं वो सारे सैनिक एक दिन स्त्री इला के साथ वन में घूमते घूमते चंद्रमा के पुत्र महात्मा बुद्ध के आश्रम में पहुंच गए। तब चंद्रमा के पुत्र महात्मा बुद्ध ने इन स्त्री रूपी सैनिकों से कहा कि तुम सब किन्न पुरुषी इस पर्वत पर अपना निवास स्थान बना लो, आगे चलकर तुम सब किन्न पुरुष पतियों को प्राप्त करोगे। इस तरह से हुई किन्नरों की उत्पत्ति। किन्नरों के बारे में सारी जानकारी विस्तृत रूप से वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में स्पष्ट रूप से लिखी हुई है। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।